संतों के साथ मई 5 तारीख को माता कलीसिया आल्स के संत हिलेरी का पर्व मनाती है। यह कहा गया है कि जवानी युवा लोगों पर व्यर्थ है। कुछ मायनों में यह आज के संत के लिए सच था। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में जन्मे हिलेरी एक कुलीन परिवार से थे। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदार ऑनिटेरस का सामना किया, जिसने उन्हें मठवासी जीवन में उसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और हिलेरी ने ऐसा ही किया। वे ऑनर्टिस के नक्शे कदम पर विशप के रूप में अनुसरण करने लगे। हिलेरी केवल 29 वर्ष के थे जब उन्हें आल्स का विशप चुना गया था। नए युवा विशप ने आत्मविश्वास के साथ भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों के लिए पैसा कमाने के लिए श्रमदान किया। उन्होंने बंदियों को फिरौती देने के लिए पवित्र बर्तन भी बेचे। वे एक शानदार संचालक और वक्ता बन गए। उन्होंने हमेशा साधारण कपड़े पहने और हर जगह पैदल यात्रा की। यह उनका उज्ज्वल पक्ष था। लेकिन हिलेरी को अन्य विषयों के साथ अपने संबंधों में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिनके ऊपर उनका अधिकार क्षेत्र था। उन्होंने एक पक्षीय रूप से एक बिशप को पद से हटा दिया। उनकी इस गतिविधि के कारण पोप सेंट लियो द ग्रेट ने हिलेरी को बिशप तो रखा, लेकिन उनकी कुछ शक्तियों को उनसे छीन लिया। हिलेरी का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रतिभा संपन्न और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने नियत समय में बिशप बनना सीख लिया था। संत हिलेरी हमें अधिकार का सम्मान करना सिखाते हैं, यद्यपि वह युवा में ही क्यों ना हो। उम्र मायने नहीं रखती, मगर विवेक और ज्ञान मायने रखता है।